हेलो ग्लोरियस फैमिली, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। आज की वीडियो है जी बीन वैक्स के ऊपर। बीन वैक्स इज लाइक दैट, दिस वाली बीन वैक्स। मैं इसको काफ़ी अर्से से फेशियल हेयर्स के लिए भी यूज़ कर रही हूँ और एक दो बार मैंने अपने आर्म्स की भी वैक्सिंग की है इससे, लेग्स की वैक्सिंग की है, प्राइवेट एरियाज की वैक्सिंग आप इससे ईजिली कर सकते हैं। और ये पूरी डिस्क्रिप्शन इसकी लिखी हुई है कि इट इज़ सेफियर टू यूज और फॉर ऑल ओवर योर बॉडी। सो ये आप इजीली यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत 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 बेहतरीन वैक्स है। ये इसका बीन्स है इसकी, ठीक है। और नेक्स्ट जो क्लिप है उसमें मैं आपको इसको निकाल कर मेल्ट करना बताऊंगी कि ये किस तरीके से मेल्ट करते हैं। ये बहुत बहुत अच्छी वैक्स है, आप मेरी तरफ से टोटली रिकमेंडेड है। और मैं इससे आज अपने फेशियल हेयर्स को रिमूव करके आपको बताती हूँ। और फेशियल हेयर्स को रिमूव करते हुए आपको किन सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए उस पर आज हम बात करते हैं। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड टुडे वीडियो। अच्छा जी, ये मेरा वैक्स हीटर है, मैंने इसके साथ वाला नहीं लिया। ये मेरा वैक्स हीटर है जो मैं यूज़ करती हूँ बहुत पहले से। और इसको जब मैंने यूज़ करना शुरू किया था ना, तो मैंने एक क्लिप रिकॉर्ड कर लिया था कि मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी वो। इसको कोई मैं 7-8 दफ़ा यूज़ कर चुकी हूँ और अब इसकी हालत बड़ी ख़राब हो चुकी है अंदर से सी, लेकिन स्टिल वर्किंग वेल। अच्छा, यूज़ करने वाली वैक्स का जो टेक्स्चर होना चाहिए ना, वो ये होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा थिन ना बहुत ज़्यादा थिक। अगर बहुत ज़्यादा थिन होगा तो वो एकदम से अच्छा जी, जो यूज़ करने वाली वैक्स होगी उसका जो मैं इसको थोड़ा दोबारा गर्म करके लाई थी, बिकॉज ये अभी देखें इसका टेक्सचर जो अभी है ना, वो बहुत बहुत ज़्यादा थिन है। इतना थिन होगा ना तो ये फ़ौरन से नीचे टपक जाएगी, आपके स्पैचुला में टिकेगी नहीं। और जो बहुत ज़्यादा हो चुकी होगी ना, जिसको बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका होगा, जो ठंडी होने लगी होगी, वो वैक्स जो है वो बस आपके स्पैचुला से चिपक जाएगी, तो वो अच्छे से स्प्रेड नहीं हो सकेगी आपकी बॉडी में। तो जिस भी पार्ट की आपको वैक्सिंग करनी हो, मैं इसको थोड़ा सा ठंडा होने देती हूँ क्योंकि मुझे फेस की वैक्सिंग करनी है। फेस इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ योर बॉडी, सो आपको उसकी वैक्सिंग करने के लिए वैक्स को बस थोड़ा सा ही गर्म करना होता है, बस बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना होता इसको। तो इस वक्त ही काफ़ी गर्म है, ठीक है। आप पैच टेस्ट भी कर सकते हो, लेकिन देख के पैच टेस्ट कर कीजिएगा, क्योंकि मैं लास्ट जब पैच टेस्ट कर रही थी तो मेरी यहाँ पर मांग रह गई और ये अभी तक है स्टिल, ठीक है। तो पैच टेस्टिंग भी आपने बहुत ध्यान से करनी है, ठीक है जी। अच्छा, अब क्या करना है, इसको मैं थोड़ा सा ठंडा होने देती हूँ, तब तक मैं आपको थोड़ी सी इंपॉर्टेंट टिप और ट्रिक्स होती हैं वो बता देती हूँ। आपने जिस भी एरिया की वैक्स करनी है, उस वक्त मैंने अपने फेस पर कुछ भी नहीं लगाया हुआ एक्सेप्ट सो लिपस्टिक। मेरे पिंपल मार्क भी आप लोगों को दिख रहे होंगे, बट इट्स ओके, होते हैं पिंपल ऑयली स्किन वालों के साथ। सो अपने अपने फेस पर या जिस भी बॉडी पार्ट की आप वैक्सिंग करने जा रहे हो, उस पर आपने कुछ भी नहीं लगाना, ना मॉइस्चराइजर ना कुछ भी नहीं लगाना, ठीक है। आप पाउडर लगा सकते हो उस एरिया पर, आप बिल्कुल उसको स्मूथ करने के लिए सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। वॉश्ड हो वो एरिया, और वॉश भी 15 मिनट्स पहले का हुआ, ठीक है। एंड
द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज वैक्स आपकी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए वरना आप जल सकते हो. एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आप वैक्सिंग करने के बाद या आफ्टर वैक्स ऑयल लगाओगे या बेबी ऑयल लगाओगे ताकि जो आपकी सर्फेस है वो बिल्कुल क्लीन अप हो जाए और बिल्कुल छटाक से करके नहीं उतारना वैक्स को, आराम से आप प्यार से उतारना है. ठीक है, अब देखिए ये वैक्स जो है इस थोड़े से क्या कहते हैं उसको, थोड़ा ना इसका हार्ड सा टेक्सचर हो गया, थोड़ा टफ सा. तो ये टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट है व्हाइल यू आर यूजिंग, लेकिन मैं क्योंकि फेस की वैक्स कर रही हूँ तो मुझे इसको थोड़ा सा और ठंडा करना है, बिकॉज फेस की वैक्स के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है. मैं आप देख लो मेरे फेस पर इस तरीके से बाल हैं, मैं ये वाले साफ नहीं करती इस वक्त, इस डायरेक्शन में आपको दिख रहे होंगे बाल. और फेस पर वैक्स आप कहीं पर भी किसी भी बॉडी पार्ट पर वैक्स लगाने जा रहे हो उसके बालों के डायरेक्शन में वैक्स लगती है और ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको आप निकालते हो. ठीक है, अच्छा अब जब तक ये फेस थोड़ी सी ठंडी हो रही है मैं अपने हाथ पर भी आपको करके दिखाती हूँ. हाथ पर मेरे इस साइड पर बाल हैं, ठीक है, ये मैंने वैक्स ली स्पैटुला में, इसको आप यूं करते रहना ताकि ये टपके नहीं. ये देखो ये अभी भी गर्म है और ये इसकी जो एजेस है ना वो आपको थोड़ी सी मोटी रखनी है. ठीक है, इस डायरेक्शन में आपने लगाई, इसको बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होने देना. और ये निकल गई और ये नीचे गिर गई, एक मिनट में उठाकर आई. कैन यू सी द रिजल्ट, बाल आपको दिख रहे होंगे इस पर, ये बिल्कुल इसी तरीके से काम करती है, छोटे से छोटे बालों को आपके निकाल के बाहर कर देती है. ठीक है, अब मैं फेस की करने जा रही हूँ, अभी फेस के लिए बिल्कुल ओके हो गई है, बहुत ठंडी वैक्स भी हम नहीं लगाते. ठीक है जी, अब मैं फेस की वैक्सिंग आपको करके दिखाती हूँ फेस पर आपको, और बहुत छोटे छोटे पैचेस आपने फेस पर इसके लगाने वरना ना आपका फेस ख़राब हो सकता है, हर्ट हो सकती है उसकी स्किन. ठीक है जी, बिस्मिल्लाह, ये देखो इतने छोटे छोटे पैचेस लगाने आपने. ठीक है, इसको थोड़ा सा ये देखो ये टूट गई थी क्योंकि मैंने ये थोड़ा पतली लेयर लगाई थी, पतली लेयर लगाओगे तो ये इसी तरीके से टूट सकती है. लेकिन कैन यू सी इस पे बाल चिपक चुके हैं अच्छी तरीके से. ठीक है, बहुत बहुत जबरदस्त वैक्स है ये, आप इससे इजीली पूरी बॉडी की वैक्सिंग कर सकते हो इंक्लूडिंग योर फेस. मैं एक और ये देखो ये मैंने थोड़ा सा मोटा बैथ लगाया ताकि उतार आराम से जाए, मैंने बाल खोल कर गलती कर दी है, चिपक गए हैं मेरे बालों पर. ये देखो ये बिल्कुल ठीक उतरी है, ये देखिए. ठीक है जी, अब मैंने आपको अपनी हाथ की भी वैक्सिंग करके दिखा दी है, अपने बालों की भी फेस की वैक्सिंग करके दिखा दी है, बिल्कुल स्मूथ हो गया ये एरिया, ये देखें थोड़ा सा रेडिशनेस है, वो मैं ऑयलिंग वगैरह करके उसको सेट कर लूँगी. आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और ये रिव्यू आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा. एंड दिस वैक्स इज टोटली रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड, बहुत अच्छी वैक्स है, यू शुड यूज़ इट फॉर ऑल ओवर योर बॉडी, बस थोड़ा सा ध्यान से यूज़ करना है इसको, बहुत ज़्यादा गर्म यूज़ नहीं करनी है, वो सारी वैक्स के लिए होता है. और हीटर की हीट का बहुत ध्यान रखना है. सो आप लोगों के लिए, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा. एंड इफ़ यू गाइस वांट मी टू रिव्यू एनी प्रोडक्ट तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, मैं आपके कमेंट्स का जवाब भी दूंगी. एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, मैं इंस्टाग्राम का भी लिंक दे दूंगी. और मैं मिलूंगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलेगा ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके. So, ta-da, bye-bye.